नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। फ्रेंड्स देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं, या तो जेंट्स स्वेटर में डालें, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, हैट में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमें 2 की मल्टीपल में फंदे चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 14 फंदे डाल रखे हैं और 2 लाइन का बॉर्डर बना लिया है। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम डिज़ाइन बनाते हैं। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और अब देखिए 1 और 2 फंदों को हम छोड़ देंगे और दूसरे और तीसरे के बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे। दूसरे तीसरे के बीच में सिलाई डाला और एक ऐसे लूप निकाल लिया, थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे। अब ऊन को अपनी तरफ लाएंगे और जो 2 फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, 1 और 2। दोनों फंदों को सीधा बुना। अब देखिए ये जो 2 फंदे हमने लूप निकाले था और धागे को अपनी तरफ किया था, इन दोनों को उठाएंगे और दोनों फंदों के नीचे ऐसे गिरा देंगे। अब फिर अगले 2 फंदे लेंगे, दोनों फंदों के बाद हम सिलाई डालेंगे, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में एक लूप निकालेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और फिर दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। अब पहले वाले दोनों फंदों को उठाएंगे और सिलाई के नीचे ऐसे गिरा देंगे। नेक्स्ट 2 फंदों के बाद दूसरे और तीसरे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को हमें सीधा बुनना है। तो अब देखिए 4 फंदे हो गए हैं। तो पहले दूसरे को हम उठाएंगे और सिलाई के ऐसे नीचे उतार देंगे। फिर से देखिए 2 फंदों के बाद देखिए दूसरे और तीसरे के बीच में हमने सिलाई डाला, एक लूप निकाला, थोड़ा सा ऐसे खींचा, ऊन को अपनी तरफ किया, फिर दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। देखिए 4 फंदे सिलाई में हो गए हैं। अब पहले दूसरे को उठाएंगे और सिलाई के ऐसे नीचे उतार देंगे। पूरी सिलाई में हमको यही करना है। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। इस तरह हमारा ये पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो दूसरे लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। हाथ हम ढीला ही रखेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। देखिए अब पहली लाइन में हमने पहले फंदे को स्लिप किया था, अब कि हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे और एक और फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो हमने 2 फंदे को बुन लिया। अब देखिए डिज़ाइन जो है वो इन दोनों डिज़ाइन के बीच में बनेगा, यानी देखिए
पहले डिजाइन का हमने पहला फंदा हमने दाहिनी सिलाई में ले लिया, अब दूसरा फंदा और दूसरे डिजाइन का पहला फंदा, इन दोनों के बीच में हमारा डिजाइन बनेगा। तो इन दोनों के बाद ऐसे सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। पहला लाइन ही हमें दोहराना है, लेकिन अब की डिजाइन दो डिजाइन के बीच में बनेगा। ये देखिए ऐसे बीच में बनेगा, कितना सुंदर लगेगा। बहुत ही आसान और प्यारा डिजाइन है, आप इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में बनाइए, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर इसे लाइट कलर में बनाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, डिजाइन और भी उभर के आएगा। अब लास्ट के दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा, यानी चौथी लाइन में हम हर उल्टी लाइन में हमें सभी फंदों को उल्टा ही बुनना है, हाथ को हमें ढीला ही रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बन के तैयार है। चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इसी तरह ये ऊपर ऊपर बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।